अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे YouTube चैनल पाइप नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाइप फ्लांज। आज की वीडियो में स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं ASME B16.5 फ्लांज एंड फ्लांज फिटिंग स्पेसिफिकेशन। दैट मीन्स कि ASME जो 16.5 में फ्लांज के बारे में जो डिटेल दिया है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि अगर आपको बेसिक फ्लांज के बारे में जानना है तो एज पर ASME बुक के अकॉर्डिंग 16.5 में क्या डिटेल मेंशन रहता है। आप कभी भी ऑयल एंड गैस में जब आप फ्लांज यूज़ करते हैं तो आपको ASME B16.5 का स्पेसिफिकेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ASME फ्लांज के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ऑयल एंड गैस में जो फ्लांज हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या डिटेल होना चाहिए, तो आपको बस ASME B16.5 फ्लांज एंड फ्लांज फिटिंग स्पेसिफिकेशन की नॉलेज और उसको फॉलो करना है। ASME B16.5 इज द मोस्ट कॉमन यूज स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एंड फॉर्ज स्टील पाइप फ्लांज एंड फ्लांज फिटिंग्स। मतलब फ्लांज का जो ब्रांच फिटिंग होता है या फिर वो फ्लांज हो, तो उसमें अगर हम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो ASME B16.5 का स्पेसिफिकेशन को। इसमें स्कोप क्या है ASME B16.5 का स्पेसिफिकेशन में, स्कोप की अगर हम बात करें, द स्टैंडर्ड कवर द प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग मटेरियल डायमेंशन टॉलरेंस मार्किंग टेस्टिंग एंड मेथड ऑफ डेजिग्नेटेड ओपनिंग ऑफ द पाइप फ्लांज एंड फ्लांज फिटिंग्स। मतलब इसका स्कोप है, इस बुक का जो स्कोप है ASME B16.5 का जो स्कोप है वो प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग मटेरियल डायमेंशन टॉलरेंस मार्किंग टेस्टिंग एंड मेथड ऑफ डेजिग्नेटेड ओपनिंग फॉर द पाइप फ्लांज एंड फ्लांज फिटिंग, उसके अंदर जो ओपनिंग होता है। ASME B16.5 कवर स्टील पाइप फ्लांज एंड फ्लांज फिटिंग्स फ्रॉम NPS हाफ इंच, NPS मतलब नॉमिनल पाइप साइज हाफ इंच टू नॉमिनल पाइप साइज 24 इंच, इन द प्रेशर 150 रेटिंग टू 2500 रेटिंग। मतलब अपने हैं हाफ इंच से 24 इंच, 150 रेटिंग से 2500 रेटिंग, मतलब 2500। ASME B16.5 का कुछ लिमिटेशन भी है, वो भी आपको जानना चाहिए। लिमिटेशन है फ्लांज एंड फ्लांज फिटिंग्स मेड फ्रॉम कास्ट एंड फॉर्ज मटेरियल। जो ASME B16.5 में जो स्पेसिफिकेशन दिया है वो सिर्फ फ्लांज और फ्लांज फिटिंग फ्रॉम कास्ट एंड फॉर्ज फिटिंग मटेरियल का होगा तो ही ये स्पेसिफिकेशन वैलिड है। ब्लाइंड फ्लांज और सर्टेन रिड्यूसिंग फ्लांज, मतलब ब्लाइंड फ्लांज हो या फिर सर्टेन रिड्यूसिंग फ्लांज, कैन मेड फ्रॉम कास्ट एंड फॉर्ज और प्लेट मटेरियल, मतलब ऐसे प्लेट से ही बन सकते हो। फ्लांज बोल्टिंग एंड गैसकेट एंड ज्वाइंट, इसमें उसके भी डिटेल, फ्लांज बोल्टिंग गैसकेट का डिटेल दिया। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट फ्लांज विथ रेटिंग क्लास। फ्लांज का जो रेटिंग क्लास होगा 150, 300, 400, 600, 900, 1500, ये जो मैंने आपको बताया 150 to 1500 फ्रॉम NPS हाफ इंच टू 24 इंच, मतलब इसमें 2500 मैंने आपको नहीं बताया, फॉर 2500 साइज फ्रॉम NPS हाफ इंच टू 12 इंच। मतलब अगर हमारा 2500 रेटिंग का जो फ्लांज आएगा वो हाफ इंच से 12 इंच तक का ही आएगा, और हाफ इंच जो अपना हाफ इंच से 24 इंच का जो फ्लांज आ रहा है वो 150 to 1500 तक, मतलब 2500 रेटिंग का फ्लांज हाफ इंच टू 12 इंच तक का ही आता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लांज फिटिंग विथ 150 एंड 300 साइज विथ हाफ इंच टू 24 इंच एक्सप्रेसिस यूनिट। इंच में वो डिफाइन करता है कि अगर 150 रेटिंग है 300 रेटिंग है तो हाफ इंच हो गया 24 इंच हो गया, वो यूनिट को साइज को यूनिट में डिफाइन करता है। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रेटिंग ऑफ द स्पेसिफिक रेटिंग डेजिग्नेशन क्या होता है उसमें, जो फ्लांज के ऊपर कॉलर पे जो डिटेल लिखा रहता है उसमें रेटिंग डेजिग्नेशन अगर लिखा है क्लास 150 हो गया, 400 हो गया, 300, 400, 600, 900, 1500 और 2500, दैट वाज द रेटिंग डेजिग्नेशन ऑफ फॉर प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग। ये जो है 300, 400, 600, 900 ये प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग को डिनोट करता है। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइज। अगर फ्लांज का जो साइज दिया है इन NPS में अगर दिया होगा तो हाफ इंच, 3x4 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच ऐसे दिया होगा। अगर वो DN में दिया होगा तो DN 15, अगर हाफ इंच का है तो DN 15, 3/4 का है तो DN 20, 1 इंच का है तो DN 25।
ये जब आप एनपीएस और डीएन से रिलेटेड जो पाइप ओडी का मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें डिटेल दिया था एनपीएस और डीएन क्या होता है। तो अगर एनपीएस डेजिग्नेशन नॉमिनल प्लांज पाइप फ्लांज फॉर्म फिटिंग्स, एनपीएस इज रिलेटेड टू द नॉमिनल डायमीटर एंड डीएन इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। डीएन क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। रिलेशन क्या है, हाफ इंच का अगर एनपीएस है तो उसको हम डीएन 20 डीएन 15 बोलेंगे। वन इंच का एनपीएस है तो उसको डीएन 25 बोलेंगे। अगर 2 इंच का एनपीएस है तो उसको डीएन 50 बोलेंगे। 4 इंच का एनपीएस है तो डीएन 100 बोलेंगे। इस तरह से वो डीएन और उसमें रिलेशन है। ओके, अगर 10 इंच का एनपीएस है तो डीएन 250 डीएन 250। ओके, प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग जो है, द प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग द मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर, मतलब वो यूनिट बार में दिया है, ऑफ द मटेरियल एंड ग्रेड यूज टू रिलेटेड द टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस। अगर वो टेम्परेचर प्रेशर रेटिंग डिनोट करता है मतलब वो मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर है वो। ओके, फ्लांज ज्वाइंट के लिए हम लोग फ्लांज ज्वाइंट के लिए गैस्केट बोल्ट और नट बोल्ट ये सब यूज करते हैं, एंकर फास्टनर्स जो यूज करते हैं। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर भी है, अलग अलग टेम्परेचर का उसमें डिटेल दिया है कि भाई कैसे वो यूज़ करना है। ओके, हाई टेम्परेचर पे कौन सा फ्लांज यूज होगा, लो टेम्परेचर पे कौन सा फ्लांज यूज होगा, ये सारी चीज़ों का डिटेल उसमें ऑलरेडी दिया। एट टेम्परेचर एवव 200 डिग्री सी देर द क्लास 150 एंड एवव 400 डिग्री सी देर द क्लास डेजिग्नेशंस अदर क्लास डेजिग्नेशन। अगर एवव है 400 डिग्री सी से अगर टेम्परेचर हमारा 200 है तो हम 150 तक यूज़ करेंगे, एंड एवव 400 है तो फिर हम दूसरे क्लास का पंप अपना दूसरे क्लास का फ्लांज यूज़ करेंगे। ओके, फ्लांज ज्वाइंट में डेवलप ए लीकेज प्रॉब्लम अनलेस केयर, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो फ्लांज ज्वाइंट में लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको उसको प्रॉपर केयर भी करना है। लो टेम्परेचर में भी वैसे है कि इतना से लो होने के बाद ये फ्लांज यूज़ करना है, इतना और लो होगा तो ये फ्लांज यूज़ करना है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेन एवर यू गॉट एनी फ्लांज दैट हैव ए आइडेंटिफिकेशन मार्किंग ऑन द टॉप कॉलर ऑफ द फ्लांज, आई शो यू दिस वीडियो रिलेटेड टू दिस वीडियो, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्किंग ऑन द फ्लान। ASME 16.5 फ्लान सेल बी फर्निश्ड विद द बिलो मार्किंग रिक्वायरमेंट। कुछ मार्किंग रिक्वायरमेंट है जो उस पर ऑलरेडी फर्निश्ड रहता है। फ्लांज एंड फ्लांज फिटिंग सेल बी मार्क्ड इन अकॉर्डिंग विथ MSSSP 25 के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट फॉर द मॉडिफिकेशन फॉर द स्पेसिफिकेशन। अगर कुछ मॉडिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो MSSSP 25 के अकॉर्डिंग उसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला क्या रहेगा, नेम, मैन्युफैक्चरिंग नेम या ट्रेडमार्क जो भी हो। सेकंड है मटेरियल, मटेरियल में क्या है, वो कास्ट ऑफ फॉर्ज मटेरियल है। अब मटेरियल स्टैंडर्ड यानी कि ASME A105 का है या फिर जो दूसरे डेजिग्नेशन नॉर्मली CS का है तो 105 का होगा। प्रेशर रेटिंग डेजिग्नेटेड, प्रेशर रेटिंग का क्या है, क्लास 150, 200, 150, 300, 400, 600, 900, 1500 or 2500, anyone 150 to 2500 उस पर ऑलरेडी मेंशन रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेंस क्या उसमें ASME 16.5 कंपलसरी लिखा रहेगा अगर वो CS का कास्ट आयरन का फ्लांज है तो, ऑर्डर B16 स्टैंडर्ड है। ओके, टेम्परेचर में भी मेंशन हो सकता है, साइज 100% मेंशन रहेगा, 3 इंच या 4 इंच या 5 इंच। अगर RTJ फ्लांज है, RTJ मतलब रिंग टाइप जॉइंट फ्लांज होता है, सेल बी मार्क विथ कैपिटल लेटर लेटर R एंड द रिंग ग्रूव नंबर, मतलब RTJ है। और मल्टीपल मटेरियल मार्किंग इन केस ऑफ मल्टीपल मटेरियल आर यूज्ड देन मल्टीपल मटेरियल मार्किंग। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इफ मेंशन इज द फ्लांज टॉप ऑफ द फ्लांज और वेयर द आइडेंटिफिकेशन ASTM A105 तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो नाउ मटेरियल गोइंग तो मटेरियल डिपार्टमेंट मटेरियल सेक्शन, मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ द फ्लांज एंड फ्लांज फ्लांज फिटिंग्स इज कॉमनली हैव ए सम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ASTM A105। दैट मीन्स दैट द फ्लांज इज फॉर्ज कार्बन स्टील फ्लांज। अगर आपका फॉर्ज्ड कार्बन स्टील फ्लांज है तो ASTM 105 उसके ऊपर टॉप में लिखा रहेगा, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा लास्ट में भी एक मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाया है उसके ऊपर A105 100% उसमें लिखा होगा ASTM A105। अगर वो नहीं है तो वो फॉर्ज कार्बन स्टील फ्लांज नहीं है। नेक्स्ट ASTM A350 दैट मीन्स इज द फॉर्ज्ड कार्बन स्टील बट लो एलॉय स्टील फ्लांज। अगर वो LTCS का है तो उसमें ASTM A350 लिखा रहेगा। ASTM A182 दैट मीन्स एलॉय स्टील फ्लांज, स्टेनलेस स्टील फ्लांज। अगर स्टेनलेस स्टील या एलॉय स्टील का है तो ASTM A
182 लिखा रहेगा, ASTM A216 अगर है तो कास्टिंग कार्बन स्टील फ्लांज है, कास्टिंग कास्टेड मेथड से बना हुआ कार्बन स्टील फ्लांज है। ASTM 515 अगर लिखा है, ASTM A515 लिखा है, दैट मीन्स हैव ए प्लेट फ्लांज, ये एक प्लेट फ्लांज है। ASTM 516 लिखा है, दैट मीन्स ये कार्बन एंड लो एलॉय स्टील प्लेट फ्लांज है। ASTM 387 ग्रेड 11-22-91 लिखा है, तो मतलब स्टेनलेस स्टील का फ्लांज है। ASTM 240 ग्रेड 30L लिखा है, 316L लिखा है, दैट मीन्स दैट इज स्टेनलेस स्टील प्लेट का फ्लांज बना है। तो दैट इज द बेसिक फ्लांज कोड अगर नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं। ASTM A105 आपको 105 मतलब ये सीएस का है। ASTM A350 दैट मींस द एलॉय स्टील का फ्लांज है, और ASTM A182 दैट मींस द स्टील एंड स्टेनलेस स्टील का फ्लांज है। दैट इज द बेसिक डिफिनेशन। और नॉर्मली प्लेट के फ्लांज की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नोट की जरूरत नहीं है आपको, बाकी ये ASTM बुक के अकॉर्डिंग है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गैसकेट, तो गैसकेट तो आपको ASME B2S 16.20 होता है। द मटेरियल ऑफ रिंग गैसकेट शैल बी कंपाइल, जो भी मटेरियल आएगा गैसकेट का वो 16.20। द यूज़र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द गैसकेट, मतलब जो ASME इस बुक के अकॉर्डिंग कि यूज़र जो होगा वो गैसकेट का सेलेक्ट करेगा। डेट आर सूटेबल फॉर द ऑपरेटिंग कंडीशन, जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कैन विथ हेस्टर बोल्ट और गैस बोल्ट गैसकेट नट बोल्ट गैसकेट वो यूज़र इसको आइडेंटिफाई करेगा। ASME B16.5 जो है फ्लांज डायमेंशन है। ASME B16.5 फ्लांज डायमेंशन इंक्लूडिंग द डिफरेंट प्रेशर रेटिंग, वेल्ड नेक फ्लांज, स्लिपन फ्लांज, ब्लाइंड फ्लांज, रिड्यूसिंग फ्लांज, सॉकेट वेल्ड फ्लांज, थ्रेडेड फ्लांज, व्यू, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो फ्लांज का डायमेंशन है, फ्लांज का डायमेंशन कितना होगा, तो वेल्ड नेक फ्लांज का डिफरेंट है, सॉकेट वेल्ड फ्लांज का डिफरेंट है, ब्लाइंड फ्लांज का डिफरेंट है, रिड्यूसिंग फ्लांज का डिफरेंट है, थ्रेडेड फ्लांज का डिफरेंस है। तो ये एक डायमेंशन का एक अलग से एक चार्ट होगा जहाँ आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है कि टॉलरेंस क्या है, तो टॉलरेंस मेथड ऑफ डिफाइन जो है टॉलरेंस को डिफाइन किया है ASTM प्रैक्टिस E29 में, उसको सेंटर टू सेंटर, सरफेस टू सरफेस और इंच टू इंच टॉलरेंस का डिटेल है। अगर हमारा 10 इंच का NPS है तो प्लस माइनस 1 mm ओके, 1 mm ओपे है। नेक्स्ट है अगर हमारा 12 इंच का है तो प्लस माइनस 1.5 mm इज ओके। एंड सेंटर टू सेंटर रहेगा, सेंटर सरफेस टू सेंटर सरफेस रिंग ज्वाइंट में NPS 10 mm में प्लस माइनस 2 mm, NPS 12 mm में प्लस माइनस 3 mm। इन टू इंड अगर हम चेक करें तो 10 इंच का अगर इन टू इंड ज्वाइंट है, इन टू इंड अगर हम चेक करेंगे तो NPS 10 इंच में प्लस माइनस 2 mm, NPS 12 में प्लस माइनस 3 mm। तो मैंने एक आपको टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट टॉलरेंस में टोटल चार चीज़ें हम लोगों का टॉलरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंटर टू सेंटर सरफेस एंड सेंटर टू सेंटर सरफेस डिस्टेंस, सेकंड है सेंटर टू इंड डिस्टेंस, सेंटर सरफेस टू सेंटर सरफेस डिस्टेंस और इंड टू इंड डिस्टेंस। तो जो भी डिस्टेंस है उसमें 1 mm से लेकर के 1.5 इंच, 1 mm से लेकर के 1.5 mm तक का डिफरेंस है, इंड टू इंड में 2 mm तक का डिफरेंस है, 3 mm तक का डिफरेंस है, सेंटर सरफेस टू सेंटर सरफेस में 2 mm है, 10 इंच में 12 mm में 3 mm है। दैट इज द बेसिक डिटेल ऑफ फ्लांज। ASME बुक के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। ASME बुक में जो चीज़ें दिया है वो ही आपका 100% करेक्ट है। गूगल में या कहीं भी आप डेटा लेंगे तो वो गारंटी नहीं कि वो 100% करेक्ट हो, या किसी ने भी यूज़र ने बनाया है तो वो 100% करेक्ट है। लेकिन ASME अगर फ्लांज के बारे में आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो ASME बुक के अकॉर्डिंग जो आप स्टडी करेंगे वो 100% करेक्ट स्टडी होगा। तो बेसिकली आप फॉलो करें कि आप जो बुक से स्टडी करते हैं तो वो गाइडलाइन उस बुक का 100% श्योरिटी देखता हो। ASME का बुक हो तो आपको 100% करेक्ट आंसर। हमारा कैसे टाइप्स आइडेंटिफाई होता है, तो फ्लांज का क्लासिफिकेशन है बेस्ड है फेस कनेक्शन, इंड ज्वाइंट ज्वाइंट कनेक्शन कैसा है, फिर उसके बाद उसका रेटिंग क्या है, फिर उसका साइज क्या है, तो ये का है जैसे वेल्डिंग फ्लांज है तो उसमें बट वेल्ड होगा, सॉकेट वेल्ड फ्लांज है तो सॉकेट ज्वाइंट होगा, थ्रेडेड फ्लांज है तो थ्रेडेड होगा, फिर दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।